जी के बारे में क्या कहूँ? Well, मैंने कहीं पढ़ा था कि जब उनको फिल्मों में आना था तब उनके पिता श्री पृथ्वीराज कपूर जी ने उन्हें चौथे असिस्टेंट के रूप में भेजा था और कहा था कि बेटा राजू, जब आप निचले दर्जे से शुरू करोगे तब जाके अव्वल दर्जे तक पहुँचोगे। मैंने भी निचले दर्जे से शुरू किया और उनकी ये बात मेरे जहन में अब तक है। और जो एक्ट मैं करने वाला हूँ उसके बारे में बताएंगे पुनीत। मूवी है मेरा नाम जोकर, जो सन 1970 में रिलीज हुई थी। जिस गाने में मैं डांस कर रहा हूँ वो गाना है जीना यहाँ मरना यहाँ, और ये गाना मैं श्री राज कपूर साहब को डेडिकेट करता हूँ। सर जी, गुस्ताखी माफ। ऑल द बेस्ट पुन्नू। मास्टर गीता, पहले तो मैं रेमो जी को बोलूँगी कि आपका सबसे जो ओपनिंग वाला सेक्शन था मुझे बहुत पसंद आया। आई लव द वे इट वॉज शॉर्ट, आई लव द वे ही परफॉर्म्ड इट, एंड
राज कपूर साहब को कौन प्यार नहीं करता, और इस इंडस्ट्री में रहना है तो उनका लाइन जो है द शो मस्ट गो ऑन, वो लाइन हर जगह हर तरह से और हर मोमेंट में काम आता है. जो भी हो, जिंदगी चलती जाती है और आपको चलाना पड़ता है और आपको आगे बढ़ना चाहिए. एंड आई थिंक यू डिड वेरी वेल टुडे पुनीत. कंग्रेचुलेशंस कि आप सेफली हो गए हैं एंड वेरी वेल. वेरी नाइसली डन पुनीत, आपने अच्छा किया. एंड पानी निकल रहा था आपके सर से और वहाँ पे पूरा स्टेज गीला था, फिर भी आपने कंटिन्यू किया. अगेन आपने वो कॉन्सेप्ट को वापस एक्चुअली दिखाया, द शो मस्ट गो ऑन, यू कंटिन्यूड. सो वेरी गुड, कीप इट अप, ऑल द बेस्ट. मैं बहुत बहुत खुश हूँ और मैं कहूँगा कि दैट्स व्हाट आई कॉल अ परफॉर्मेंस. थैंक यू सर, थैंक यू सर. एंड पुनीत, आज आपने बहुत अच्छा किया. मैं ऐसे यूजली बहुत इमोशनल नहीं होता हूँ, लेकिन इस एक्ट के बाद मैं आज इमोशनल हो गया था काफ़ी. सो ऑल द वेरी बेस्ट पुनीत. पूछते हैं जीतू जी से, आपको कैसा लगा सर? आपको एक बात बताता हूँ, हर एक के ड्रीम्स होते हैं, मेरे भी ड्रीम्स हैं. मैं जो मेरा मोस्ट कॉमन ड्रीम ये है कि इंडिया की 6 विकेटें गिर गई हैं, क्राइसिस में है और मैं बैटिंग करने आया हूँ और बिग रन्स टू बी स्कोर्ड एंड आई डू इट, सो इट लुक्स लाइक अचीवेबल. बट देन समटाइम्स आई ड्रीम कि मैं इन लोगों के जैसे डांस कर रहा हूँ, फिर डर के उठ जाता हूँ, ये क्या हो गया, ये तो मैं कर ही नहीं सकता हूँ. ऐसे डांसिंग कहाँ की हम लोगों ने. एज ए परफॉर्मेंस आई टेल यू, इतना इमोशनल कंटेंट था इसके अंदर, उस कोरियोग्राफी में इतना भी लूज नहीं हुआ. मैं हक्का बक्का रह हो रहा हूँ बिल्कुल. ये क्या है, हाउ यू ऑल डू इट सो वेल. ऐसे गानों में इमोशन बहुत हावी पड़ जाता है. राज जी क्या करते थे, राज जी अपने इमोशन से स्क्रीन को होल्ड करके रखते थे. एंड दैट एग्जैक्टली व्हाट ही हैज डन. आई गेट अप एंड से थैंक यू सो मच सर. ऑल द बेस्ट. थैंक यू सो मच.